हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो आप जो है इस टाइम टेबल का बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मैं ये वीडियो बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ। एंड ये जो टाइम टेबल है ना, ये मैंने 44 डेज़ के लिए बनाया है। 25 अगस्त से लेके जो है मैंने इसको 7 अक्टूबर तक रखा है। आप अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हो। मैं लिंक दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल टाइम टेबल है सो दैट आप डाउनलोड कर सको। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। बहुत से बच्चे ना मुझे क्या कह रहे हैं कि मैम अभी जो है ना नवंबर में एग्ज़ाम है, हमने ना प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, तो एग्ज़ाम जैन में दे। तो गाइस आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप 25 अगस्त से काउंट करोगे टिल 31 अक्टूबर, आपके पास ऑलमोस्ट जो है 67 डेज़ है। मैं नवंबर को नहीं काउंट कर रही हूँ, नवंबर के 20 डेज़ मिलाऊंगी तो 87 डेज़ हो जाएंगे। तो गाइज इतना टाइम है, क्या करोगे? अभी जो है आपके पास इतना टाइम है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कम टाइम है, जबकि आप CSEET का प्रिपरेशन जो है 45 डेज़ में कर सकते हो। इसके लिए जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो 45 डेज़ का बनाया है। मैं और टाइम टेबल अपलोड करूँगी तो आपको जो है एग्ज़ाम दे देना चाहिए। इसलिए जो है मैंने टाइम टेबल में 25 अगस्त से डेट जो है टाइम टेबल बनाया। क्यों? क्योंकि आप बच्चे हो, मुझे पता है आप लोग जो है मस्ती करते हो एंड अभी गणपति फेस्टिवल आएगा तो आराम करोगे। अभी बहुत से बच्चों की जो है जिनका 12th का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उनका अभी FY का एडमिशन्स चल रहा है एंड ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे कॉलेज के। तो मुझे पता है आप सब ये मस्ती करते हो, तो इसके लिए जो है स्टडी करोगे नहीं एंड थोड़ा दिन आराम करोगे कि एडमिशन एंड ये फेस्टिवल में टाइम चला जाए। इसके लिए 25 अगस्त से ये मैंने टाइम टेबल बनाया, तो आपके पास टाइम है गाइज, आप पेपर दे सकते हो, दे दो एग्ज़ाम। ठीक है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अब देखो आपको ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं एंड कितना आप यूटिलाइज कर सकते हो। 25 अगस्त से आपके पास जो है 67 डेज़ है, 31 अक्टूबर तक 67 डेज़। मैं नवंबर को नहीं काउंट कर रही हूँ। उसके बाद जो है क्यों नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं नवंबर को काउंट करूँगी एंड आप सब जो हो बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो और लेट करोगे। इसके लिए जो है 31 अक्टूबर तक ही हम रहने देते हैं। सो दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। सो 67 डेज़ को अगर 24 आवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 1608 आवर्स है। बहुत ही ज़्यादा है, ये आपके पास टोटल आवर्स है। आप ये 24 आवर्स तो स्टडी करोगे नहीं, तो आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है? देखो आपके पास जो है दिन में 14 आवर्स अवेलेबल होते हैं। 14 आवर्स कैसे? क्योंकि आप 8 घंटे सोओगे, देन खाना खाओगे, देन टीवी देखोगे, फ्रेंड से बात करोगे, चैटिंग करोगे, वेब सीरीज़ देखोगे एंड ऐसे करके आपका टाइम पास हो जाएगा। 14 घंटे तो ऑलमोस्ट आपके वेस्ट हो ही जाएंगे। एंड चलो कॉलेज के क्लासेस देख लिए ऑनलाइन, क्योंकि जो बहुत से कॉलेजेस के जो है लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं जो कि सेप्टेम्बर में हो जाएंगे, मुझे पता है इतना। तो आपके पास जो है 14 आवर्स × 67 डेज़ करोगे तो 938 आवर्स है। तो ये आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है, आप इतना भी यूटिलाइज़ नहीं करोगे। आप कितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो स्टडी के लिए? देखो आप जो है ऑलमोस्ट कितने आवर्स पढ़ोगे, मुझे पता है धक्का मार मार के अभी जो है आप 3 to 6 आवर्स स्टडी करोगे, वो भी आप जो है बहुत ही ज़्यादा धक्के मार के आपको जो है स्टडी करनी होगी। तो 6 आवर्स अगर आप स्टडी करते हो 67 डेज़ तक, तो आपके पास कितने हैं? 402 आवर्स है। ठीक है, यानी कि आप जो है एक एक सब्जेक्ट को 100 आवर्स दे सकते हो। तो इतना टाइम कम है क्या? नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी क्यों सोच रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं देना है? गाइज मैं कह रही हूँ आप जो है ये सोच रहे हो ना, हमारे जो है लॉ के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ऑनलाइन लेक्चर्स देन कॉलेज के, तो गाइज आप ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स भी यूटिलाइज़ करोगे तो भी आप जो है CSEET के सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को 100 आवर्स तो दे ही सकते हो अगर ये कैलकुलेशन आप फॉलो करते हो। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, आप भी ऐसे अपने हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है आप ऐसे सेम कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं टाइम टेबल ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है मैंने जैसे ये टाइम टेबल बनाया है गाइज़, ये मैंने आपको पहले ही का 25 अगस्त से बनाया मैंने टाइम टेबल। आपको जैसे चाहिए आप जो है इस टाइम टेबल में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने ये टाइम टेबल बनाया ना, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा जो एक दिन में 4 सब्जेक्ट करते हैं। आप जो है इस टाइम टेबल को रिवाइज़ कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए था? एक टारगेट चाहिए था, जो आपको एक प्लान मिले, जिसको आपको एक डायरेक्शन मिले जिसको आप फॉलो कर सको। इसके लिए ये मैंने टाइम टेबल बनाया। एंड यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो हर एक जो है आपको जो है 5 डेज़ के बाद मैंने रिवीजन सेट किया है, क्योंकि आप जो हो पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि जो है टॉपिक्स कितने भी इजी हो भूल तो जाओगे ही। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है हर 5 डेज़ में रिवीजन यहाँ पे सेट करके रखा है। एंड उसके बाद जो है 3 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको
वीक में 2 बार रिवीजन करना है, इससे क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट्स है आपको और क्लैरिटी मिलेगी एंड रिवीजन भी होता रहेगा। इस टाइम टेबल को जैसे चाहो चेंज कर सकते हो एंड मैं कहूँगी आपके पास अभी बहुत टाइम अवेलेबल है, तो आप जो है ट्राई करो एक एक सब्जेक्ट को 10 दिन देने के। ये जैसे टाइम टेबल बनाए आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। नॉर्मली देखो आप एक दिन पे 2 सब्जेक्ट करो, 2 से ज़्यादा मत करना। इसलिए मैंने कहा टाइम टेबल में चेंज करना क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके लिए जो मैंने पेजेस भी लिमिटेड रखे कि आज आपको इतना रीड करना है इतना रीड करना है, तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ट्राई करो एक एक सब्जेक्ट को 15 डेज 12 डेज में कंप्लीट करने में, सो दैट क्या है आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन जो है आप नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे आफ्टर 12 और 15 डेज, तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज करना आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड आप एक काम किया करो, आपकी जो भी नीड्स है ना, लाइक आप कैसे स्टडी करते हो, आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे DM कर दिया करो या मुझे मेल कर दिया करो, सो दैट मुझे क्या है टाइम टेबल बनाने में और आसानी होगी आपके लिए। क्योंकि मुझे जो है इतने ही कैटेगरी के स्टूडेंट पता है, एक दिन में पढ़ता है, एक रात में पढ़ता है, एक जो है सारा दिन जो है 4 सब्जेक्ट करता है, एक कुछ भी नहीं करता, एक जो है 2 सब्जेक्ट करता है, एक एक सब्जेक्ट करता है, ऐसे मुझे पता है। आपके जो भी है नीड्स आप मुझे बता दिया करो सो दैट मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँगी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।